गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ जफर अहमद. टूडे आई टीच यू इकोनॉमिक्स इन क्लास 12, चैप्टर नंबर 3, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. तो बेटा आज का मेरा टॉपिक है इनकम मेथड, कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड. तो बेटा वैल्यू एडेड मेथड का हमने सारे फार्मूले आपको बोर्ड पर समझा दिया था, जिसमें बेसिक 5 फार्मूले थे वैल्यू एडेड में. उनमें से किसी एक फार्मूले का यूज करके आप क्या निकालते थे, पहले बेटा जीडीपी एमपी निकालते थे, उसके बाद फिर आप क्या करते थे, जीडीपी एमपी से फिर नेशनल इनकम का कन्वर्जन कर लेते थे, और इस तरह से न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेते थे वैल्यू एडेड मेथड में. आज आपका जो टॉपिक है बेटा वो है इनकम मेथड. एक चीज और यहां क्लियर कर लीजिए, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं. फर्स्ट वैल्यू एडेड, सेकंड इनकम मेथड, थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड. आपको इन तीनों मेथड में से जिस मेथड से नेशनल इनकम सॉल्व करनी है आप सॉल्व करेंगे, और तीनों मेथड से ही आंसर सेम आएगा, ये याद रखिएगा. तीनों मेथड से जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो तीनों मेथड का आंसर सेम आएगा. तो बेटा लेट अस स्टार्ट नाउ इनकम मेथड. आज हम आपको इनकम मेथड का पूरा फार्मूला ब्रीफ करके समझाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल फिर आपको बताएंगे. तो बेटा स्टार्ट करें. सबसे पहले आपको दिया गया बेटा टॉपिक इनकम मेथड. इनकम मेथड होता क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जितने भी इनकम जनरेट होती है डोमेस्टिक टेरिटरी में, वो सारी की सारी मेजरमेंट होती है इनकम मेथड. यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी इनकम जनरेट होती है वो इनकम मेथड से कैलकुलेट की जाएगी. ओके बेटा, अब इनकम मेथड में हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना बेटा, डोमेस्टिक इनकम. वैल्यू एडेड में हम फाइंड करते थे जीडीपी एमपी, लेकिन इनकम मेथड में हम फाइंड करेंगे बेटा डोमेस्टिक इनकम. और याद रखिएगा डोमेस्टिक इनकम को हम कहते हैं क्या, एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक फैक्टर एट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपीएफसी दैट इज डोमेस्टिक इनकम. ओके बेटा, तो इनकम मेथड में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्या, आप कैलकुलेट करेंगे एनडीपीएफसी, ठीक है ना बेटा. एनडीपीएफसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिए. डोमेस्टिक इनकम के मेनली 3 पार्ट होते हैं. सबसे पहला पार्ट है कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉइज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप सीओई कहते हैं. तो आपका पहला पार्ट सीओई आएगा बेटा, फिर दूसरा पार्ट ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा, और तीसरा पार्ट बेटा मिक्स्ड इनकम आएगा. यानी डोमेस्टिक इनकम फाइंड करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, इन तीनों को आप प्लस कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एनडीपीएफसी. ओके बेटा, लेकिन अब हम बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे सीओई का कौन कौन से पार्ट होते हैं. आपके न्यूमेरिकल पोर्शन में या तो क्वेश्चन में सीओई दे दिया जाएगा या सीओई का पार्ट दिया जाएगा. तो अगर सीओई दिया है तो पार्ट वाली वैल्यू को छोड़ देंगे, और अगर सीओई नहीं दिया है तो जितने भी पार्ट दिए गए सारे पार्ट को हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, तो वो हमारा क्या निकल जाएगा बेटा, सीओई. तो यहां पे हमें दोनों चीजें स्टडी करनी है कि पूरा पार्ट क्या है और उस पार्ट के कितने सब पार्ट हैं, इनको भी हमको ध्यान में देना है. तो सबसे पहला पार्ट बेटा क्या आएगा डोमेस्टिक इनकम का, कंपनसेशन ऑफ इंप्लाइज, जिसको आप सीओई कहते हैं, ये मेन पार्ट होता है, और इसके सब पार्ट आपको बताए गए. सब पार्ट मेनली 3 होते हैं. नंबर 1 वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, नंबर 2 वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एंड नंबर 3 इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. तो मिला बेटा सीओई के मेनली 3 पार्ट हैं. इस पार्ट को भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जब टेबल दिया जाएगा तो टेबल में हो सकता है मेन वैल्यू सीओई दे दी जाए, और अगर सीओई नहीं दिया जाएगा तो उसका पार्ट दिया जाएगा. उस पार्ट में कौन कौन से आइटम आते हैं ये भी आपको माइंड में लर्न करना है, तभी अच्छी तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे. ओके बेटा,
तो सीओई का सबसे पहला पार्ट है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। अब वेजेस इन सैलरीज इन कैश में इसके सब पार्ट है, जैसे बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, बोनस, ग्रेजुटीज, हाउस रेंट अलाउंसेस, ये सारी की सारी चीजें किसमें आएंगी बेटा? ये सब वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में आएंगी। अब इसके बाद दूसरा पार्ट आता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। इसके भी सब पार्ट है। कौन कौन से सब पार्ट है? फ्री रेंट, अकोमोडेशन, फ्री यूनिफॉर्म, इंटरेस्ट फ्री लोन्स। यानी बेटा जितनी भी फ्री चीजें आपको अपने कंपनी की ओर से या इंस्टीट्यूशन की ओर से प्रोवाइड की जाएंगी, वो सब किसमें आएंगी? वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड में आएंगी। इसके बाद एक और पार्ट है इम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसके मेनली टू पार्ट है, प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड। ओके बेटा, एक चीज यहां और क्लियर कर दें, कभी कभी न्यूमेरिकल पोर्शन में यहां पर देखिए इम्प्लॉइज लिखा हुआ, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा इम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगर इम्प्लॉइज दिया है तो उस वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर इम्प्लॉयर्स दिया है, इम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो वो वैल्यू नेशनल इनकम में ली जाएगी। तो क्या याद रखेंगे बेटा? इम्प्लॉयर्स वाली वैल्यू ली जाएगी और इम्प्लॉइज वाली वैल्यू नहीं ली जाएगी। ये आपका पार्ट हो गया बेटा सीओई के। अब दूसरा पार्ट आता है बेटा इसका क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ओएस। ऑपरेटिंग सरप्लस में टू पार्ट होते हैं बेटा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड सेकेंड पार्ट इनकम फॉर एंटरप्रेन्योरशिप नोन एज प्रॉफिट। तो पहले हम डिस्कस करें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से कौन कौन सी चीजें होती हैं? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट आएगा बेटा, रॉयल्टी आएगी और इंटरेस्ट आएगा। इन तीनों को अगर ऐड करेंगे, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका मिल जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ओके बेटा, अब अगर आपको इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप नोन एज प्रॉफिट, प्रॉफिट का अगर पार्ट देखना है तो प्रॉफिट में मेनली थ्री पार्ट है बेटा, डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स। अगर इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये प्रॉफिट का पार्ट आ जाएगा। वैसे अगर देखा जाए ऑपरेटिंग सरप्लस में, तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये मेन चार पार्ट हैं। फिर से बता रहा हूं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट के सब पार्ट हैं, डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस कॉर्पोरेट टैक्स। ओके बेटा, ये तो हुआ ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट। अब लास्ट पार्ट आता है बेटा मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एमआईएस। मिक्स इनकम में बेटा क्या क्या आता है? जैसे मिक्स इनकम में कौन कौन सी इनकम, जैसे लॉयर्स अगर इनकम जनरेट करता है, लॉयर्स कहां से जनरेट करेगा? कोर्ट से, सीए प्रैक्टिस करके या किसी कंपनी में वर्क करके, शॉपकीपर्स, फार्मर्स, ये जितने भी इंडिविजुअल पर्सन है और इंडिविजुअल जगह पर खुद फैक्टर प्रोडक्शन में लगकर अपनी इनकम को जनरेट करते हैं, तो उसको कहा जाता है मिक्स इनकम। तो बेटा आपको फार्मूला सबसे पहले क्या समझ में आया इनकम मेथड का? इनकम मेथड में सीओई प्लस, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो डोमेस्टिक इनकम मिलेगी। डोमेस्टिक इनकम का मतलब एनडीपीएफसी। ओके बेटा, अब आपको हमें ध्यान देना है कि सीओई के ये सारे पार्ट हैं। पहला पार्ट वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, इसके ये सब पार्ट हैं, इसको नोट करेंगे कॉपी पर और इसको लर्न भी करेंगे माइंड में। इसके बाद सेकेंड पार्ट वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, इसके भी सब पार्ट है, इसको भी आप लर्न करेंगे। इम्प्लायर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इम्प्लायर्स होगा तो लिया जाएगा, इम्प्लाइज होगा तो नहीं लिया जाएगा। इम्प्लायर्स के मेनली टू पार्ट है बेटा, प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड। ये हुआ सीओई के पार्ट। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में मेनली फोर होते हैं, कौन कौन से? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट है, और जो आपका प्रॉफिट है वो इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट है। ठीक है ना बेटा, प्रॉफिट के भी पार्ट है डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। और उसके बाद तीसरा पार्ट है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसका शॉर्ट फॉर्म है एमआईएस। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से इनकम जनरेट करता है तो उसको कहते हैं एमआईएस, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे लायर्स की इनकम, सीए की इनकम,
शॉपकीपर की इनकम, फार्मर्स की इनकम, टीचर्स की इनकम, ऐसे बहुत सारे लोगों की इनकम, वो सब एमआईएस में आ जाएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, इन तीनों को ऐड करेंगे तो डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी मिल जाएगा। फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे नेशनल इनकम में, एनएनपीएफसी दैट इज नेशनल इनकम। हमने पहले एनडीपीएफसी फाइल कर लिया है तो बेटा यहां पर देखिए सेकंड पार्ट, डी फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक कन्वर्ट टू नेशनल क्या आएगा बेटा, एनएफआईए। यानी एनडीपीएफसी में डोमेस्टिक इनकम में अगर हमने एनएफआईए प्लस कर दिया तो वो आपको मिल जाएगा एनएनपीएफसी, इसी को कहते हैं नेशनल इनकम। तो बेटा ये अच्छी तरह से कॉपी पर रिटर्न करेंगे और इसको लर्न करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।